हाँ जी, सत श्री अकाल सारिआं नूं। करियर बिल्डर अकैडमी दे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते तुहाडा सब दा स्वागत है। मैनूं उम्मीद है तुसीं जिथे भी होगे ठीक ठाक होगे, तंदुरुस्त होगे और पढ़ रहे होगे। इस कोरोना दी महामारी समय तुहानूं अपना ख्याल रखना चाहीदा है, अपना ख्याल, अपने परिवार दा ख्याल और अपनी पढ़ाई का ख्याल भी रखना है। सानू एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, सुनहरी मौका है साढ़े कोल तैयारी करन दा, घर बैठ के रिविजन करन दा, जो भी हुण तक नसीं पढ़िया है। तां अपना समा जाया ना करदे होए तुसीं अपनी स्टडी नूं कंटिन्यू रखना है। कोऑपरेटिव बैंक दे विच पोस्ट आ चुकियां ने, पटवारी दियां जो काफ़ी टाइम पहला फॉर्म फिल हो चुके ने, होर भी बड़िया पोस्टा जिहड़ियां आ रही हैं। जिदा कल ही एक नोटिफिकेशन रिलीज़ होया है जेल वार्डन का, तस पंजाब पुलिस है, होर बड़े एग्जाम ने जिन्हां दियां पोस्टा अगे आउणगियां। साढ़े कोल तैयारी जिहड़ी मुकम्मल होनी चाहिए, पूरी तरह होनी चाहिए है। ऐदा ना होवे कि असी तैयारी करते पे हाँ पर उस तरीके नाल नहीं कर रहे जिहड़े तरीके नाल करनी चाहिए है, और असी सारे एग्जाम्स तो रह जाइए। अजिहा ना ही होवे तां चंगा है। 2021 का टाइम जड़ा है थोड़े लिए जॉब ऑपरचुनिटी का टाइम है, नौकरी लैन का टाइम है और माँ प्यो नूं कुछ करके दिखाने का टाइम है। तो ज़्यादा समा ना लईए आपां, तां शुरुआत करते हाँ अज का लैक्चर। तो अज का लैक्चर कोऑपरेटिव बैंक के लिए है, अपना बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, इंडियन बैंकिंग सिस्टम करांगे आप। अज ये लैक्चर मेरे द्वारा यानी कि शरण कमीरिया द्वारा लैक्चर दिता जा रहा है करियर बिल्डर अकैडमी के प्लेटफॉर्म तो। शुरुआत करते हैं अपने लैक्चर की। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, एक ब्रीफ हिस्टरी करांगे आप, बैकग्राउंड की है, शुरुआत की हुई है साढ़े भारत के, किदा बैंकिंग सिस्टम चलिया सेगा। हाँ जी, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज द फस्ट बैंक टू बी इस्टैबलिश इन इंडिया। पहला बैंक सेगा जड़ा इस्टैबलिश होया 1770 दे विच, 1770 च इस्टैबलिश होया। उस तो बाद समा पिया 30-40 साल बाद लगभग बैंक नवें दी शुरुआत की गई, बैंक ऑफ कलकत्ता दी। तो बैंक ऑफ कलकत्ता 2006 दे विच बनिया, पर बाद विच प्रेजिडेंसी बैंक की शुरुआत कर दी गई। प्रेजिडेंसी बैंक मतलब कि रियासती बैंक। सानू सारे नू पता है कि साढ़े रियासत होंदिया सीगियां आज़ादी तो पहला, तो रियासती बैंक जिहड़े ने उन्हां दी शुरुआत कीती गई। इह ओह रियासती बैंक जिहदे नवाब जां मुखी जां कोई भी हैड महाराजे हुंदे सीगे, उन्हां द्वारा संचालन कीता जांदा सीगा और उही इन्वेस्टमेंट वगैरह करदे सी। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 दे विच बनिया सी और 1809 दे विच बैंक ऑफ बंगाल के नाम नाल जाणिया जाण लग्गिया। तीन प्रेजिडेंसी बैंक होए ने, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 बनिया और बैंक ऑफ मद्रास 1843 दे विच बनिया। इन 1921 दे प्रेजिडेंसी बैंक वार मर्ज्ड, जिहड़े ये तीन प्रेजिडेंसी बैंक सीगे 1921 दे, इन बैंकों नूं मर्ज कर दिता गया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दे विच। इट वॉज प्राइवेट एंटाइटी, जो ये बैंक बनया सी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये एक प्राइवेट एंटाइटी सी, मतलब प्राइवेट लोगों के हाथों के ना कि सरकार के हाथों के। समा पैंदा है 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज नैशनलाइज्ड, राष्ट्रीकरण कर दिया जाता है, भाव कि सरकार ने पूर्ण तौर पर अपने हाथों में ले लिया और इस बैंक का नाम भी बदल दिया गया 1 जुलाई 1955। ये रीनेम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ AD गोरेवाला कमेटी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किड़ी कमेटी के बिहाफ से बनया, किंदी रिकमेंडेशन हुई? AD गोरेवाला कमेटी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
एस बी आई नाल रिलेटेड, एस बी आई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इस्टैबलिश कदों होया सी एस बी आई? 1 जुलाई 1955। केड़ी कमेटी के तहत? एडी गोरेवाला कमेटी के तहत। ठीक है जी, ये सीगा एस बी आई बारे, प्रेजीडेंसी बैंक बारे, और इस तो पहला भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगे चलते हैं। हाँ जी, अगे साढ़े को जो आता है, हाँ जी अगे जो साढ़े को आता है वो है, माफ़ी चाहते हाँ, हाँ जी अगे है साढ़े को नंबर 5 से बैंक, 8 बैंक्स वर अटैच्ड विद एस बी आई। 8 बैंक से जेडे एस बी आई अटैच से इन 1959 के। देखो एस बी आई एक देश का बहुत बड़ा बैंक के रूप में उभरिया, और उसने अपने नाल 8 सहयोगी बैंक बनाए। 8 सहयोगी बैंक केड़े केड़े सीगे? नेम द एसोसिएटेड बैंक, इन्हों एसोसिएटेड बैंक कहा गया, एसोसिएटेड बैंक कहा गया या सहयोगी बैंक कहा गया। वो केड़े केड़े सन? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर। हाँ जी, स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर। तो ये 8 बैंक की शुरुआत की गई, पर अगे की होंदा है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर नुकसान से जा रहा, घाटे से जा रहा, और 1963 के स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर नू मर्ज कर दिता गया स्टेट बैंक ऑफ जयपुर के, नाम रख दिता गया स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर 1963 के। बैंक किन्ने रह गए? 7 एसोसिएटेड बैंक रह गए। इस तो बाद फिर एक टाइम आता 2008 का, ये की करते हैं कि सौराष्ट्र बैंक के नाल भी सेम कंडीशन चल रही है, और एस बी आई इस मर्ज कर दिया जाता है 2008 के। बैंकों की गिनती रह गई 6। 2010 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 2010 एस बी आई मर्ज कर दिया जाता है, और बैंकों की गिनती रह गई 5। तो फिर की होंगे है 7 साल तक 5 बैंक अच्छा काम करते हैं, पर फिर लॉस की घड़ी चल रही है। एस बी आई बैंक ने सारे सहयोगी बैंकों को अपने विच समेट लिया, मतलब कि मर्ज कर लिया, और 1 अप्रैल 2017 नू ऑल एसोसिएटेड बैंक अलोंग विद PMB भारतीय महिला बैंक, हाँ जी 5 सहयोगी बैंक और बाकी भारतीय महिला बैंक के नाल इस नू मर्ज कर दिता गया 1 अप्रैल 2017 नू। भारतीय महिला बैंक नू बने नू हजे 4 साल ही होई सी, 2013 दे विच एस्टैबलिश होया सीगा और इस नू मर्ज कर दिता गया। भारतीय महिला बैंक दे विच एक बड़ा वधिया इनिशिएटिव सी औरतां नू, महिलावां नू उन्हां दा सशक्तिकरण करन दे लई, उस नू बढ़ावा देन दे लई, औरतां दी एम्पावरमेंट दे लई काम करन दे लई BMB बैंक बनाया गया सी, पर ये चल नहीं सकिया ज़्यादा लंबे समय तक, और इस नू मर्ज करना पिया SBI दे विच। हाँ जी अगे चलते हाँ। फर्स्ट बैंक विद लिमिटेड लाइबिलिटी वॉज अवद कमर्शियल बैंक, दिस वॉज एस्टैबलिश इन 1881 एट फैजाबाद, फेल्ड इन 1958। 1958 बंद कर दिता गया इस बैंक नू, 1881 के शुरू होया। लिमिटेड लाइबिलिटी, देखो जो लिमिटेड लाइबिलिटी की गल होंगी है कि वो बैंक जिहड़ा काम कर रहा है उसकी लिमिटेड लाइबिलिटीज़ ने, फर्ज करो कि बैंक का एक बालक है उनके कोल 500 करोड़ रुपया है, तो 500 करोड़ दे विचों उसने 200 करोड़ रुपया बैंक से लाता, और उस बैंक दे बैंक का घाटा पै गया, पर यह बैंक की है लिमिटेड लाइबिलिटी वाला बैंक है, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला बैंक, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला बैंक, और ये कोल बचिया परसनली 300 करोड़। तो जो तो लिमिटेड लाइबिलिटी वाले बैंक की गल हो रही है तो 200 करोड़ का घाटा पै गया, हूँ जरूरी नहीं है कि यह 200 करोड़ का जड़ा जड़ा मुआवजा है लोगों का देना है, पैसा देना है, वो ये 300 विच लैणगे, क्योंकि इनकी लिमिटेड लाइबिलिटीज ने सिर्फ 200 करोड़ तक सीमित है, 200 करोड़ तक उस 200 करोड़ की जिनी भी प्रॉपर्टी है उनके विचों ही भुगतान करना पड़ेगा, वो पर्सनल प्रॉपर्टी के उपर भुगतान नहीं किया जा सकता उनके उपर, तो लिमिटेड लाइबिलिटी है ये वाली, तो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला बैंक सीगा अवध कमर्शियल बैंक, और
1881 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ 7th, ਦ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਪਿਓਰਲੀ ਮੈਨੇਜਡ ਬਾਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਇਨ ਲਾਹੌਰ ਇਨ 1894। 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿਓਰਲੀ ਮੈਨੇਜਡ ਬਾਏ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 8ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਹੋਲੀ ਆਨਡ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਡ ਬਾਏ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵਾਜ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਇਨ 1911। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਨਡ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਡ ਓਨਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟਾਈਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਟਰੂਲੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਟੂ ਓਪਨ ਅ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਲੰਡਨ 1946। ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀਗੀ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਓਲਡੈਸਟ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੋਕ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਓਲਡੈਸਟ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੋਕ ਬੈਂਕ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੋਕ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੋਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੈਬੀ ਅੰਡਰ, ਪਰ ਸੈਬੀ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਟ ਇੱਕ ਸਟੋਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੋਕ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਵਰਕਿੰਗ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ 1865। ਦੇਖੋ ਸਟਿਲ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ 1865 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਜ਼ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਓਲਡੈਸਟ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ SBI ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ SBI ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ 14 ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, 14 ਬੈਂਕਸ ਮਿਨੀਮਮ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ 15 ਕਰੋੜਸ ਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਔਨ 19 ਜੁਲਾਈ 1969। 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ 14 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, 14 ਬੈਂਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਫਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। 6 ਬੈਂਕਸ ਵਿਦ ਮਿਨੀਮਮ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ 2000 ਕਰੋੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ
15 अप्रैल 1980 सैकिंड नैशनलाइजेशन होंदी है और इस दे विच 6 बैंक नैशनलाइज होंदे ने। तां पुछ लिया जांदा है कि पहली नैशनलाइजेशन कदों होई सी, 19 जुलाई 1969 नूं, और सैकिंड नैशनलाइजेशन कदों होई सी, 15 अप्रैल 1980 नूं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने दोनों। तो पहली नैशनलाइजेशन दे विच किन्ने बैंक नैशनलाइज होए सीगे, तो 16 सी, माफ़ी चाहता 14 सी, और सैकेंड नैशनलाइजेशन दे विच 6 बैंक सी। न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया होंदा सीगा जदों ये बैंक 14 बैंक और 6 बैंक 20 बैंक नैशनलाइज किए गए, उनके एक बैंक से न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज मर्ज्ड विद पंजाब नैशनल बैंक ऑन 4 सितंबर इन 1993। 1993 दे विच 4 सितंबर 1993 दे विच न्यू बैंक ऑफ इंडिया नू पंजाब नैशनल बैंक दे विच मर्ज कर दिता गया, और ए बैंक फिर 19 बैंक रह जाते हैं नैशनलाइज बैंक, क्योंकि इसनों मर्ज कर दिता गया पंजाब नैशनल बैंक दे विच। अगर लिस्ट ऑफ नैशनलाइजेशन नैशनलाइज बैंक इन इंडिया, तो प्रेजेंट दे विच देखो उदो 19 बैंक सी, 19 बैंक नैशनलाइज सी, उस तो बाद की होंदा घटते गए, और इस टाइम जड़े ने टोटल 12 नैशनलाइज्ड बैंक ने भारत के 12 नैशनलाइज्ड बैंक ने इनकलूडड एस बी आई विच ही है, तो एस बी आई बैंक में विच ऐड करके टोटल बन जाते हैं 12 नैशनलाइज्ड बैंक। एज पर द ऑफिशियल वैबसाइट ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आर बी आई द फॉलोइंग 12 बैंक आर लिस्टड एज नैशनलाइज्ड बैंक, 6 मर्ज्ड बैंक एंड 6 इंडिपेंडेंट पब्लिक सैक्टर बैंक। 6 तो बैंक वो ने, हाँ जी 6 बैंक वो ने जिन्हों के बैंकों मर्ज कर दिया गया, और 6 बैंक वो है जिन्हों इंडिपेंडेंट रखा गया पी एस यू ने, पब्लिक सैक्टर बैंक्स ने, इन कोई मर्जिंग नहीं हुई, अपने आप के कल ही ने जेडे खब्बे हथ लिखे ने 1 तो लैके 6 तक इन्हों बैंकों के मर्जिंग हुई हुई है। तो आप सारे बैंकों के किन्ने मर्जिंग हुई है उन्होंने बारे गल करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो एक बैंक है इस दे विच विजया बैंक और देना बैंक मर्ज हो चुका है, विजया बैंक ते देना बैंक मर्ज हो चुका है। अगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे विच आल एसोसिएटेड बैंक मर्ज हो चुके ने, जेडे 8 सही गए, फिर पहला 8 सी गए, फिर जेड़ा जयपुर दे विच ऐड हो जाता है बीकानेर, उस तो बाद ऐदा करते करते जेडे ने सारे बैंक एस बी आई दे विच मर्ज हो चुके ने। जिन्नियां भी सहयोगी बैंक दीयां ब्रांचां ने हुण एस बी आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचिज बन गई ने। नाल है बी एम बी भारतीय महिला बैंक, इनू भी मर्ज कर दिता गया सी। अगे आता साढ़े कोल पंजाब नैशनल बैंक, पंजाब नैशनल बैंक हैडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इन्दे विच केड़े केड़े ओ बी सी बैंक नू मर्ज कर दिता गया, और यू बी आई यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया देखो इनू भी यू बी आई कहते हैं, बट ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ये यूनाइटेड है, इसनों फुल फॉर्म दे विच लिख लो, भुलेखा ना पै जाए, सर ने कराता यू बी आई और यू बी आई तो नीचे वाला भी है, इस तरह के यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओ बी सी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन दोनों बैंकों पी एन बी दे विच मर्ज कर दिया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये किड़े किड़े बैंक मर्ज किए गए, आंध्र बैंक मर्ज किया गया और कारपोरेशन बैंक में मर्ज कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दे विच। अगे कैनरा बैंक, कैनरा बैंक दे विच मर्ज होया है सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक में मर्ज किया गया, ये इंडियन बैंक दे विच मर्ज किया गया इलाहाबाद बैंक में। तो इस तरह मर्जिंग तो बाद जेडे 6 मर्ज बैंक्स ने, मतलब इन्हां दे विच मर्जिंग हो चुकी है, ये 6 बैंक ने, 6 जिहड़े हैगे ने राइट हैंड साइड वो साढ़े कोल हैगे ने 6 इंडिपेंडेंट बैंक, बिल्कुल आजाद ने आपदे आप दे विच, पी एस यू इंडिपेंडेंट बैंक ने, और ये वैसे सारे पी एस यू ने पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग, जो पी एस यू शब्द आता है पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग का मतलब है सरकारी बैंक ने। इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक इंडिपेंडेंट ने, पी एस यू इंडिपेंडेंट का मतलब इन दिन कोई बैंक मर्ज नहीं है, ये जिमें चल रहे हैं तिवें ही चल रहे हैं, जिमें शुरू तो चल रहे हैं उमें ही चल रहे हैं। ठीक है जी, अगे चलते हैं, थोड़ा जहा जानकारी लेंदे हैं साढ़े को बैंकिंग सिस्टम को किवें बनाया गया है। सब तो अपैक्स बॉडी जी है बैंकों की वो कि है आर बी आई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हैडक्वाटर मुंबई, हैडक्वाटर मुंबई,
इन बारे आप एक्सप्लेन करा कि कुछ हैगा सी RBI की है की कम ने डिप्टी गवर्नर गवर्नर सारे पूरी जिनी बॉडी है ये बारे गल करा तो RBI अगे बैंकों दो हिस्सों के वंडती है शड्यूल बैंक एंड अनशड्यूल बैंक। शड्यूल बैंक के अगे की होंगे है कमर्शियल बैंक आते हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। कमर्शियल बैंक के अगे पब्लिक सैक्टर बैंक ने प्राइवेट सैक्टर बैंक ने फॉरनर बैंक्स ने और RRB रीजनल रूरल बैंक्स ने। ठीक है जी। एट प्रेजेंट अज की तरीक दे कमर्शियल बैंकों के गल करिए टोटल किन्ने पब्लिक सैक्टर बैंक हैं 12, प्राइवेट किन्ने बैंक ने 21, फॉरन बैंक किन्ने ने 46 46, RRB रीजनल रूरल बैंक है 43, जिदा कि साढ़े पंजाब 3 रीजनल रूरल बैंक है जिदा कि पंजाब एंड पंजाब ग्रामीण बैंक है, सतलुज ग्रामीण बैंक है और एक होर है। तो इस तरह 3 ग्रामीण बैंक ने पंजाब दे विच ही। तो पूरे राज्यों के RRB ये पिंडां दे विच बैंकिंग व्यवस्था वधाउण दे लई कीते गए सी रीजनल रूरल बैंकों की शुरुआत। ठीक है जी। तो टोटल 4 तरह के कमर्शियल बैंक ने। अगे गल करते हैं पब्लिक सैक्टर बैंक दे विच की कुछ है, ये जिहड़े 12 हैगे ने किवें हैगे ने। SBI तो है ही है, अदर नैशनल बैंक 12 हैगे ने और अदर पब्लिक सैक्टर बैंक जिदा कि IDBI बैंक है, इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 12 बैंक है नैशनलाइज और एक SBI, तो एसोसिएटेड बैंक ये मर्ज हो चुके हैं करके कटिंग की हुई है। ठीक है जी। तो इस तरह ये टोटल 12 बैंक्स ने। प्राइवेट बैंकों की गल करिए प्राइवेट सैक्टर बैंक के 12 पुराने बैंक है और 9 नवे बैंक ने प्राइवेट के। ठीक है जी। ये सारा सेगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक की जिंदी तैयारी कर रहे हैं ये सारे कोऑपरेटिव बैंक ने, सहयोगी बैंक ने जिहड़े कुछ लोगों के सहयोग के नाल बनाए गए हैं। ठीक है जी। इन बारे भी आप गलबात करांगे अपने फुल कोर्स के जिहड़ा अपना कोऑपरेटिव बैंक का फुल कोर्स है उहदे विच करांगे। ठीक है जी। तो रह गया अनशड्यूल्ड बैंक। अनशड्यूल्ड बैंक जिहड़े जिदा कि एक तरह के फाइनैंस वगैरह के काम करते हैं, फाइनैंस की सहूलत देते हैं। ठीक है जी। ये उस तरह के बैंक ने, इन ज़्यादा इन्ना इंपोर्टेंट नहीं है, बाकी शड्यूल बैंकों के भी सारे इंपोर्टेंट ने। अगे चलते हैं। द फर्स्ट अमंग ऑल बैंक, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ रिपीट भी होंगे। फर्स्ट अमंग ऑल बैंक्स, तो जिन्हें भी बैंक है उन्होंने पहला की कुछ होया है। द फर्स्ट बैंक इन इंडिया, सब तो पहला भारत का बैंक साड़ी शुरुआत इतों हुई सी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कदों स्टैबलिश होया सीगा 1770 दे विच। फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर सीगा मिस्टर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो मिस्टर ऑसबॉर्न स्मिथ 1935 दे विच, जदों RBI 1935 दे विच बनया सीगा एक्ट 1934 दे तहत, केड़ा एक्ट सीगा 1934 दे तहत ये बनया। तो उस टाइम पहले RBI दे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर सी मिस्टर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI, पहला भारतीय गवर्नर RBI का सीगा मिस्टर CD देशमुख, 1943 दे विच बनया सीगा, 1943 लैके 1949 तक रहा सीगा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ATM इन इंडिया, पहला बैंक जिसने भारत दे विच ATM नू इस्टैबलिश किया सी, HSBC बैंक, हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन। तो इसने ATM नू भारत दे विच पहली बार लिया सीगा, ATM ऑटोमैटिक टेलर मशीन। तो ये पता ही है अजकल आम हो गया, पहला खास सी जो ये इस्टैबलिश हुई थी। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस सेविंग बैंक इन इंडिया, सेविंग अकाउंट खोलन दे लई सेविंग बैंक जिहड़ा खोलिया गया सीगा पहला, प्रेजीडेंसी बैंक इन 1830 1830 दे विच प्रेजीडेंसी बैंक जिहड़े बने सीगे उन्होंने ही सेविंग अकाउंट शुरू किए, सेविंग बैंकिंग शुरू की आम लोगों के लिए खाता। अगे हुंदा सीगा सिर्फ जिहड़े वड्डे लोग हुंदे सीगे सिर्फ उही पैसा जमा कराउंदे सीगे कढवाउंदे सीगे, पर सेविंग अकाउंट्स जिहड़े ने उह शुरुआत की सी प्रेजीडेंसी बैंक ने, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ मद्रास। तो तुसीं सानू इस लैक्चर का एक क्वेश्चन जो पहला है उनका जवाब देना है कमेंट्स के,
आरबीआई दा जेड़ा लेटेस्ट डिप्टी गवर्नर बनया है उनका नाम तुसी कमेंट दे विच दसना है। तो हो सकता है चारों दे चारों डिप्टी गवर्नर और आरबीआई दा गवर्नर मौजूदा गवर्नर कौन हैं वो तुसी कमेंट्स दे विच दसने ने। ठीक है जी। हाँ जी अगे चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस चैक सिस्टम इन इंडिया। चैक, हाँ जी, जो चैक है, चैक सिस्टम जो शुरू किया गया 1784 के बैंक ऑफ बंगाल ने शुरू किया। पहली बार चैक सिस्टम बैंक ऑफ बंगाल ने शुरू किया। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस इंटरनेट बैंकिंग शुरुआत की आईसीआईसीआई बैंक ने। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस म्यूचुअल फंड सही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरुआत की। असी आजकल देखते हैं टीवी ते ऐड भी आती है, सचिन तेंदुलकर करता है, होर भी काफ़ी करते हैं म्यूचुअल फंड की ऐड, जिहड़ा कि इन्वेस्टमेंट की एक तरीका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड शुरू किए थे, अपनी इन्वेस्टमेंट करो और ये की है कई बेनीफिट मिलता है कई नहीं मिलता, और म्यूचुअल फंड जोड़े ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हैडक्वाटर कितने है ये मैं कमेंट्स के दसोगे इनका हैडक्वाटर। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रैडिट कार्ड इन इंडिया। क्रैडिट कार्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सब तो पहला क्रैडिट कार्ड शुरू किया भारत के। फर्स्ट फॉरन बैंक इन इंडिया, पहला भारत का विदेशी बैंक कि कॉपटोर डी एसकॉम्पटेट डी पैरिस ऑफ फ्रांस। हाँ जी, फ्रांस का यह बैंक से 1860 के स्टैबलिश होया, पहली बार भारत का विदेशी बैंक जोड़ा भारत में आया सी, ए फ्रांस का एक बैंक सी 1860। फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया इलाहाबाद बैंक मर्ज इन इंडियन बैंक 2020। ये गल कर चुके आप बारे सारे रिपीट नहीं करने की लोड़। कंट्रीज फर्स्ट ऑल वूमेन बैंक, हाँ जी, पहला भारत का ऑल वूमेन बैंक जिंद औरतों का ही अकाउंट होएगा, औरतें ही उत्थे मैनेजमेंट संभालनगियां, कलैरिकल पोस्ट से चाहे मैनेजर की पोस्ट से कोई भी है, औरतों का बैंक औरतों के लिए ही है। तो ये भारतीय महिला बैंक 2013 के बनया सीगा, पर 1 अप्रैल 2017 इसनू SBI के मर्ज कर दिया गया, घाटे के जा रहा सीगा। फर्स्ट इंडियन बैंक स्टार्टड विद इंडियन कैपिटल, पहला बैंक जिन्हें भारतीय पैसे दे नाल शुरुआत की सीगी, 100% शुद्ध भारतीय बैंक जिहड़ा सी ओ पंजाब नैशनल बैंक सीगा PNB। फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक नेम्ड प्रथमा ग्रामीण बैंक वाज स्टार्टड बाय, हाँ जी, पहला रीजनल रूरल बैंक ग्रामीण बैंक की गल कर रहे हैं असी, तो पहला ग्रामीण बैंक जिहड़ा सी ओ प्रथमा ग्रामीण बैंक सीगा वाज स्टार्टड बाय सिंडीकेट बैंक, और सिंडीकेट बैंक दे नाल रल के ये बैंक की शुरुआत हुई सी। ठीक है जी। और मर्ज इन, और सिंडी बैंक बारे गल करते आप, सिंडीकेट बैंक फस्ट रीजनल रूरल बैंक जिहड़ा ये बनया सी, ये उत्तर प्रदेश का एक बैंक सी। सिंडीकेट बैंक नूं अजकल मर्ज कर दिता गया कैनरा बैंक दे विच, 2020 दे विच इसनूं मर्ज कर दिता गया। फस्ट इंडियन बैंक गोट ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन, ISO की मानता लैन वाला कैनरा बैंक सी। फस्ट बैंक इन इंडिया लिस्टड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, पहला बैंक भारत का जिन्हें न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज NYSE के अपने आप को दर्ज करवाया सी, ICICI बैंक। फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च टॉकिंग ATM फॉर डिफरेंटेबली परसन, जेडे अयोग है ने जेडे अखा तो नहीं देख सकते जा सुन नहीं सकते जा किसी तरह की है जा माफी चाहता अखा तो देख नहीं सकते उन्होंने लिए है टॉकिंग ATM बोलन वाला ATM जिद आवाज़ आती है अपना पिन दबाओ या किसी तरह भी है। ठीक है जी। अपने पैसे कलैक्ट करो ATM बाहर निकाल लो इस तरह बोलन वाला जो ATM टॉकिंग ATM अजकल तो हो गए ने आम हो गए ने, तो पहला टॉकिंग ATM भारत के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने शुरुआत की थी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है जी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया माफ़ी चाहते इतने गलत लिखा गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड सेगा, यूनाइटेड बैंक मर्ज होया सेगा। ठीक है जी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अगे गल करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वाज फस्ट इस्टैबलिश इन इंडिया। हुण अपने क्वेश्चनिंग की गल आ गई है, अपने चैप्टर तो खत्म हो गया है, उस चैप्टर के रिलेटेड कुछ 7-8 क्वेश्चन होणगे, 7 को
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬੈਂਕ ਵਾਜ ਫਸਟ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? 5 ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਲਣਗੇ ਹਰੇਕ ਕੁਸਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬੈਂਕ ਵਾਜ ਫਸਟ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 5 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬੈਂਕ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪਿਓਰਲੀ ਆਨਡ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਡ ਬਾਏ ਇੰਡੀਅਨਸ? ਪਿਓਰਲੀ ਆਨਡ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਡ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੇਜ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਆਨਡ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਓਨਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਭਾਰਤੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਵਧ ਬੈਂਕ, ਕਮਰਸ਼ਲ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਐਸ ਬੀ ਆਈ ਵਾਜ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼? ਬੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੇ ਐਸ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸ਼ਿਵਾ ਰਮਨ ਕਮੇਟੀ, ਬੀ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ, ਸੀ ਵਿਜੇ ਕੇਲਕਰ ਕਮੇਟੀ, ਡੀ ਏ ਡੀ ਗੋਰੇਵਾਲਾ, ਏ ਡੀ ਗੋਰੇਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ, ਈ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ। ਹਾਂਜੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਏ ਡੀ ਗੋਰੇਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਾਜ ਮਰਜਡ ਇਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਜੈਪੁਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ 1959, 2008, 2010 ਜਾਂ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੀਕਾਨੇਰ ਐਂਡ ਜੈਪੁਰ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 14 ਬੈਂਕਸ ਵਿਦ ਅ ਮਿਨੀਮਮ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ 15 ਕਰੋੜਸ ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਔਨ 19 ਜੁਲਾਈ 1969? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 14 ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਇਨ 1770, 1770 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਇਨ ਲਾਹੌਰ ਇਨ 1894, ਆਲ ਆਰ ਟਰੂ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਆਨਸਰਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਡੀ, ਆਲ ਆਰ ਟਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ। ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ? ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲਾ? ICICI ਬੈਂਕ, HDFC, SBI ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਔਰ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ICICI ਬੈਂਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਆਫ RBI, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੂ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਆਫ RBI ਮਿਸਟਰ ਆਸਬੋਰਨ ਸਮਿਥ, ਮਿਸਟਰ CD ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ, ਸਰ ਜੇਮਸ ਬ੍ਰੈਡ ਟੇਲਰ ਔਰ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ? ਹਾਂਜੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਆਸਬੋਰਨ ਸਮਿਥ, 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ RBI, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆਗਾ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ, ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
और नॉलेज नू अगे बधाओ। नॉलेज वंडन नाल नॉलेज वधदी है घटदी नहीं, और दूसरियां दा सहयोग करो, एक दूसरे की मदद करो, पढ़ाई दे विच भी और बीमारी शुमारी दे विच भी। ठीक है जी, तां हर किसी का साथ दिओ। थैंक यू सो मच।